हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पर्क्स एंड ब्रूस। पर आज मैं आपको रायता की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे हम कबाब, टिक्का, बिरयानी सबके साथ खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 350 ग्राम्स दही है। अब दही को अच्छे से फेंट लेना है जब तक ये पूरा स्मूद नहीं हो जाता है। दही अब अच्छे से स्मूद हो गया है। अब एक तवा को गरम करेंगे और उसमें एक टेबलस्पून जीरा डाल देंगे और इसको रोस्ट करना है। जीरा अब अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब इसका हम पाउडर बना लेंगे। अब दही में हम 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर जो हमने अभी बनाया था, नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। दही में थोड़ा ज़्यादा ही नमक लगता है। 2 ग्रीन चिलीज डाल देंगे, 1 चॉप्ड ऑनियन डाल देंगे, बहुत छोटा छोटा काटना है ऑनियंस को। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना है। रायता अब सर्व करने के लिए रेडी है। ये ठंडा रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। आप ठंडा दही यूज़ कर सकते हैं या फिर थोड़ी देर बनाकर फ्रिज में रख दें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।